हाय एवरीवन सो आज हम इस वीडियो में इस वर्ड विंडो के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ इस वर्ड विंडो में कौन से एरिया का क्या नाम है वो हम सीखेंगे ओके okay? सो so, पहला है ये इस एरिया को हम कहते हैं टाइटिल बार इस एरिया को हम कहते हैं टाइटिल बार यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की टाइटिल रहेगी यानी जिस भी नाम से आपने आपके डॉक्यूमेंट सेव किए हो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा सो so, ये है टाइटिल बार नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर रिबन पर इस एरिया को हम कहते हैं रिबन क्या कहते हैं हम इस एरिया को हम कहते हैं रिबन और रिबन में रहेंगे taps. आप यहां पर देख रहे होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट रिफरेंसेस ये सारे हैं टैब्स इन्हें हम टैब्स कहते हैं और टैब्स में रहेंगे ग्रुप्स और ग्रुप्स में रहेंगे कमांड्स शायद आप कंफ्यूज हो गए राइट मी एक्सप्लेन वन बाय वन सो ये है होम टैब होम टैब में आप यहाँ देखिए ये क्लिप है और यहाँ क्लिप में यहाँ क्लिप से रिलेटेड कमांड्स है कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर पेस्ट इन्हें हम कमांड्स कहते हैं ये कमांड्स किससे रिलेटेड है ये कमांड्स रिलेटेड है क्लिप ग्रुप में और आप यहाँ देखिए यह है फोंट का ग्रुप और यहाँ फॉन्ट में रहेंगे फोन से रिलेटेड कमांड्स यहाँ पर फॉन्ट है ये फॉन्ट में रहेंगे फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स और है यहाँ पैराग्राफ ये पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड्स है यह है स्टाइल्स ये स्टाइल से रिलेटेड कमांड्स है यह एडिटिंग यह एडिटिंग से रिलेटेड कमांड्स है वैसे ही वैसे ही हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स रहेंगे और उन ग्रुप्स में उस ग्रुप से रिलेटेड कमांड्स रहेंगे जब हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तब हम इन कमांड्स को यूज करते हैं ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे फाइल टैब के बारे में जानेंगे और बैक स्टेज व्यू के बारे में जानेंगे ये था आज का क्लास हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पूरा एकदम से डिस्कस करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वर्ड विंडो के बेसिक्स को ओके थैंक यू